सो हाई गाइज, आई होप कि आप लोग ठीक होंगे. और आज कोई ब्लॉग वीडियो नहीं होने वाला. दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल वीडियो, जस्ट चैट, सिंपल सा, बिकॉज मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती थी दैट आई एम नॉट एबल टू टॉक अबाउट. तो बहुत लोग ने मुझसे मैसेज किया, पूछा कि आप कहाँ हो सिमरन, 7-8 दिन हो गए आपने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है. सो जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था कि मुझे हेडेक का थोड़ा प्रॉब्लम था. आई वेंट टू डॉक्टर, तो वो यू नो मुझे मसल स्ट्रेन था. एंड अब जब मैंने गोवा में कुछ काम नहीं किया, फ़ोन को बिल्कुल टच नहीं किया, कोई पोस्ट वगैरह, रील वगैरह, कोई वीडियो कुछ नहीं डाला, बिल्कुल स्ट्रेस भी रखने की कोशिश की अपने आप को, तो नाउ आई फील बेटर. काम का कोई स्ट्रेस नहीं लिया तो मेरा सर दर्द एकदम ठीक हो गया वहाँ पे. बट कभी कभी ना ऐसे बहुत बोझ हो जाता है मन पे, लाइक समझ नहीं आता क्या करूँ कैसे करूँ. अपने आप को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हूँ आफ्टर दिस सर्जरी और ये हेडेक. ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं छूट रही हूँ इन सब चीज़ों के बोझ में. ये जो रेस है ना परफेक्ट बनने की, ये इट्स वेरी पेनफुल समटाइम्स. ऐसा लगता है कि ये भी कर लो अच्छे, मतलब यू नो आई हैड दिस प्रॉब्लम ऑफ बीइंग परफेक्ट इन एवरीथिंग. आई ट्राई टू बी परफेक्ट इन एवरीथिंग, बट आपको भी पता है कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता. और वो चीज़ मैं कभी कभी समझ नहीं पाती, जस्ट लाइक आई वॉन्ट टू बी वेरी गुड बहू, पत्नी, माँ और भाभी, बेटी, अ वर्किंग वूमेन, अर्निंग वूमेन. बट सब कुछ एक साथ करना बहुत मुश्किल हो जाता है. एंड जो लोग काम करते हैं और इनका बेबी है, मैं उनकी परेशानी समझती हूँ कि इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट समटाइम्स, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस बहुत अलग लेवल पे हो जाता है. स्टिल यू गाइस सपोर्ट मी इन एवरीथिंग, थैंक यू सो मच. मैं ट्राई कर रही हूँ खुद को अभी थोड़ा काम डाउन करने की, इकट्ठा करने की, बट लाइक आई बीन थ्रू मेनी थिंग्स. मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करती हूँ. लाइक जब मेरी ये सर्जरी हुई थी तो उस समय मोस्ट ऑफ द पीपल वर कंसर्न्ड अबाउट कि अब बच्चा हो सकता है कि नहीं हो सकता है. सिर्फ दिवेश और मेरे पापा, सिर्फ दो लोग ऐसे थे वो लिटरली लाइक कि अब हमें कोई अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, एक बच्चा है बहुत है, अपनी बॉडी पे और चीरफाड़ मत करवाना प्लीज़. अब वो दोनों इतना लाइक व्हेन दे सेड इट ना, तो मुझे लगा कि यार व्हेन दे सेड इट ना, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है. बट वो चीज़ सही है, मतलब मैं मानती हूँ ये कंसर्न बच्चा होना ना होना, बट यार मैंने एक चीज़ देखी कि औरतें जो होती हैं ना, मैंने देखा है कि आदमी फिर भी चिल्ड आउट है, लेकिन औरतें कुछ ज़्यादा ऐसा करती है लाइक कि अब बच्चा हो सकता है नहीं हो सकता. लाइक एवरी वन वॉज मेजरली नॉट कंसर्न अबाउट मी कि मैं कैसी हूँ, मुझे कैसा फील हो रहा है, मुझे क्या लगता है. नो, मोर कंसर्न अबाउट कि नेक्स्ट बेबी हो सकता है कि नहीं हो सकता है. ठीक है, मैंने माना आपका कंसर्न मेरे लिए है, बट आई डोंट नो, ऐसा मैं ये नहीं कह रही वो गलत है, बट ऐसा क्यों होता है. लाइक हम औरतों के, एक औरत को सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते यार भाई. आई डोंट वी अंडरस्टैंड द सिचुएशन. तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना कभी कभी मन में बैठ जाती हैं, तब कितनी भी कोशिश कर लो दे डोंट कम आउट. मैं आँखों से चीज़ें देखते हूँ ना, it actually hurts really bad. और शायद यही सब चीज़ें मिलके, काम, प्रेशर, बच्चा, उन्होंने मुझे इतना स्ट्रेन कर दिया कि मैं समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है कैसे हो रहा है. सो आई टुक अ ब्रेक, बट स्टिल मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रही हूँ. मेरा दिमाग बहुत कंफ्यूज रहने लगा है, मुझे मैं चीज़ें भूल जाती हूँ रख के, मुझे याद नहीं रहता. इनफैक्ट मेरा एक काम ही है जो मैं करती हूँ यूट्यूब, जो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स रखता है. मैंने एक चीज़ देखी है कि जब भी मैं काम करती हूँ मेरा मन खुश हो जाता है, पर जो अलग चीज़ें हैं ना दुनिया में और सब कुछ, वो जस्ट कीप स्ट्रेसिंग यू एवरी टाइम. जब भी मैं उन चीज़ों में घुसने की कोशिश करती हूँ, आई डोंट नो, बट ठीक है जो कुछ भी है, लाइक आई एम कोपिंग अप विद माई लाइफ नाउ. और जब से मेरी सर्जरी हुई है आई केम टू नो द इम्पोर्टेंस
ऑफ माई सेल्फ, मैंने अपने आप से प्यार करना अब शुरू किया है. अब मुझे लगा है कि नहीं, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट फॉर एवरीबॉडी, यू शुड थिंक अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में थोड़ा सा सोचो, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा तो सोचो. आई एम ट्राइंग टू डू दैट. तो बस अभी ऐसे ही चल रही है लाइफ थोड़ी सी, एंड थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट यू गाइज गिव मी ऑन एवरी वीडियो एंड एवरी थिंग. मुझे पता है मैं सब मैनेज कर लूँगी और सब हो जाएगा. आज मैंने काम किया इतने दिनों बाद तो मुझे और अच्छा लगा. आई एम फीलिंग लिटिल लाइटर देन बिफोर, और आई नीडेड दिस ब्रेक. पता नहीं मैंने कितने समय से ब्रेक नहीं लिया था, मुझे याद भी नहीं है मैंने लास्ट टाइम कब अपने आप को थोड़ा सा वक्त दिया था, मैं नहीं जानती. अब जाके इवन मेरी सर्जरी हुई थी ना उस टाइम पर भी मैंने वीडियो डालना बंद नहीं किया था, आई वॉज कॉन्टिन्यूसली वर्किंग एट दैट टाइम. बट इस साल मैंने शुरुआत में थोड़ा सा ब्रेक लिया एंड इट हेल्प्ड एक्चुअली. सो अभी कोप अप करने की कोशिश कर रही हूँ चीज़ों के साथ, मे बी मैं थोड़ा मेंटली स्थिर हो पाऊँ. बट इस साल मेरा टारगेट यही है कि आई लव माई सेल्फ मोर. मैं खुद को और दिवेश को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती हूँ, लाइक मैं दिवेश के सारे काम करती हूँ, केयर करती हूँ, बट एक बैठना, वो जो बातें हम पहले करते थे उनके लिए वक्त ही नहीं बचा है, इतने खो गए हैं चीज़ों में. जाने सारी जिम्मेदारी संभालते संभालते खुद को ही भूल गए. तो नाउ आई एम ट्राइंग कि मैं पूरा वक्त दूँ दिवेश को, खुद को, मे भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी. सो अब जैसे कि मैंने बताया 3 दिनों बाद काम किया तो बड़ा अच्छा लग रहा था, दिमाग को बड़ी अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है, थोड़ी सी ऐसा लग रहा है प्रोडक्टिव कुछ किया है. बट कोई कुछ भी कहे कि काम मत करो, एक किसी जिम्मेदारी को छोड़ दो, बट आप भी जानते हो कि जो जिम्मेदारी आपकी है, जो आपको करना है, बहुत सारी चीज़ों का भार अगर आपके ऊपर है तो आप उन्हें नहीं छोड़ सकते. कहना बहुत आसान है कि छोड़ दो, भाड़ में जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है. आज मैंने उन्हें दिल की सारी बात बोल दी, बट ऐसी है लाइफ, चल रही है अभी. तो अभी मैं घर में अकेली हूँ, बाहर गए हैं सब लोग. मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूँ कि दूसरों का ध्यान रखो, दूसरों की जिम्मेदारी लेनी है लो, लेकिन अपने आप को मत भूलो प्लीज़ उसमें कभी भी. बिकॉज अगर आप ठीक नहीं रहोगे ना, आप अंदर से खुश नहीं रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है. आप कितने भी पैसे कमा लो, आप कितने भी रिश्ते कमा लो, आप कितना भी प्यार कमा लो, बट एक सेल्फ लव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये समझने की ज़रूरत है औरतों को स्पेशली, बिकॉज वो करती नहीं है. एंड मुझे सर्जरी के बाद समझ में आया व्हाट इज़ सेल्फ लव एंड व्हाई इट इज़ नीडेड. तो बस ये था आज का वीडियो. आई नो कि कुछ लोगों के लिए बोरिंग रहा होगा, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. कल से अच्छे व्लॉग्स आने शुरू हो जाएंगे और इसमें मैं क्या ही बोलूँ, क्या लाइक क्या सब्सक्राइब है. तो सिर्फ दिल की बात थी जो मैंने करनी थी कर ली, और जो लोग सच में मुझे पसंद करते हैं, एक दो जो कुछ भी करते हैं, तो आपने मेरी अगर पूरा वीडियो देखा तो थैंक यू सो मच. आई नीडेड योर सपोर्ट. थैंक यू सो मच फॉर बींग देयर. और लाइक मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई डिजिटल फैमिली भी आपको इतना सपोर्ट कर सकती है मेंटली. स्पेशली आई फील वेरी एम्पावर्ड समटाइम्स जब आप लोग बोलते हो नहीं नहीं आप अच्छा कर रहे हो, टेक केयर, तो ऐसा लगता है कि नहीं यार बहुत सारे लोग हैं हु आर केयरिंग अबाउट मी. सो इसीलिए कहीं ना कहीं मैं अपना काम भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती कि अगर लोग मुझे देख रहे हैं तो मैंने कुछ ना कुछ लाइक वीडियोज़ देते रहे. बट कभी कभी एक ब्रेक बनता था तो वो मैंने ले लिया है. चलो बाय बाय.